इंदौर पुलिस के अहिल्या शी सेफ अभियान के तहत शनिवार को महिला पुलिस थाने की टीम मेघदूत गार्डन पहुंची और मौके पर अपने मित्रों के साथ गार्डन में घूम रही स्कूल कॉलेज की छात्राओं को समझाइश देने के साथ महिला अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी। महिला अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ ही प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे के चलते शनिवार को महिला पुलिस थाने की टीम मेघदूत गार्डन पहुंची। इस दौरान कई स्कूल और कॉलेज की छात्राएं परिवार को बिना बताए अपने मित्रों के साथ पार्क में घूम रही थी, जिन्हें रोककर महिला थाना की टीम ने उन्हें समझाइश दी। इसके साथ ही महिला अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों और हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया। आने वाले कल के लिए आपके गले की हड्डी यही बनेगी, हम नहीं बनेंगे। क्योंकि जो काम हम करेंगे आप लोग परेशानी में आ जाओगे। अरे गलती के लिए मैं उस लड़की को बोलूंगी कि हाँ गलती वो कर रही है, मैं उसको समझाऊंगी। आप गलती नहीं, आप तो जानबूझ के अपराध कर रहे हो। आप तो समझदार हो ना, आपके बच्चे जो छोटी छोटी गलती आप करते हो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है और फिर तुम जाते सबसे पहले किसके पास, पुलिस के पास। ठीक है, हमारा खाओगी यार, जब बच्चे आपके इस दौर में गुजरेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया। हम इसको कैसे समझाएं, उनसे नजरें नहीं मिला पाओगी। उनसे नजरें मिलाने के लिए अपन को अपनी नजरों को है ना संभाल के रखना पड़ता है यार। क्या नाम है तेरा? टीना। और तेरा? अजय। तेरी बीबी का नाम क्या है? अरे आप लोगों को कितना पुलिस घर घर जाके, अब इतनी पुलिस तो पैदा नहीं हो गई है और ना शासन ने भर्ती कर ली है कि हर एक व्यक्ति के साथ पुलिस किया ना, चारों कोनों में आप लोग बैठे हुए थे। समझ में आना चाहिए आज हो रहे अपराध के संबंध में बताना चाह रहा है आपको। भाई तो है ना, सोशल मीडिया पे बहुत दिक्कत हो रही पता है, और इतने केस आ रहे हैं कि हम पुलिस वाले परेशान हैं इन केसों से। बस ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम और तुम्हारे जो वीडियोस जो बना बना के डालते हो ना, इसी से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और आप ये सारी चीजें ना देखो, एक ये लड़की है यार, क्या है ये 16 साल की, मतलब हम ये 16 की है, 4-5 जो गलत टाइप के प्रकार के हो भाई, भाई पांचों पांच प्रकार के वाले। अब बताए क्या समझाएं हम, गलत है ना आप लोग। और मेरा बात सुनो, अगर कोई जबरदस्ती भी आपसे करता है कि नहीं मेरे से जबरदस्ती दोस्ती बना, तो उसके लिए भी आप लोगों को इंदौर पुलिस का अहिल्या शी इज सेफ अभियान के तहत आज महिला थाना टीम आज मेघदूत गार्डन पर आई थी। उन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ घूम रहे युवक युवतियों को समझाइश दी। आइए, हमारे साथ मौजूद है इस पूरे जो आज यहाँ पर अभियान चलाया गया है उसको जो जिन्होंने लीडर किया है, दुर्गा दीदी हमारे साथ हैं। दीदी, किस तरह का ये अभियान है और कैसे इसको लगातार महिला थाना टीम द्वारा किया जा रहा है? ये एक अवेयरनेस से संबंधित अभियान है। इसमें अवेयरनेस में महिला थाना टीम जो अभियान चला रही है वो छोटे लड़कियों से लेके बड़ी महिला तक को समझाइश दी जा रही है। और अभी हमने देखा यहाँ पे बड़ी संख्या नाबालिग बच्चे भी थे यहाँ पर जो साथ में घूम रहे थे, उन्हें आपने समझाया, उन्हें पूरा बताया कि किस तरह की ये जो आप घूम रहे हो कहीं गलत है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आपने जो महिला अपराध को लेकर या जो अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर भी जानकारी दी, कितने सहमत नजर आई हुआ? हाँ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, हुआ है, और वो कहना चाहते हैं कि ठीक है हमसे अभी गलती हुई है, आपने हमें बताया है, इसके लिए हम सॉरी उन्होंने मांगी है, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा इस गलती को नहीं दोहराएंगे। दीदी, बात करें, क्या लगता है आपको ये जो अभियान चला जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि साइबर क्राइम से जो अपराध बढ़ रहे हैं वही चीज़ बार बार लगातार चल रही है और देखने में भी आ रहा है। उसको लेकर किस तरह से अभी महिला थाना प्रभारी भी लगातार अभियान चला रहे, जैसे अभी पहले आपने रीजनल पार्क में आप गए थे, बड़ी संख्या में वहाँ पर युवक युवती मिले जिन्हें समझाइश दी गई, आज मेघदूत गार्डन में आप आए हैं, पूरी टीम आपके साथ हैं, किस तरह के यहाँ पर युवा मिले? जैसे आपने बताया कि नाबालिग भी थे और महिलाएं तक
तक को समझाया गया है, क्या किस तरह के इनके मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है? क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह के अपराध आते हैं, कहने के उसे फेस भी, जब महिला संबंधी अपराध आते हैं तो महिला थाना को ही उसको फेस करना पड़ता है, तो उसे किस तरह देखते हैं आप? उसे हम देखते हैं और समझते भी हैं और समझाते भी हैं। अभी हमने एक केस यहाँ देखा है कि दोनों जो एक महिला और पुरुष जो मिले हैं, दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों ही वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और महिला है जो अपने पति को धोखा दे रही है। उसे हमने समझाया कि आपके दोनों के बीच में एक घर नहीं, ये दो घर बर्बाद हो रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे? निश्चित तौर पर महिला थाना टीम का जो प्रयास है काफ़ी सार्थक है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम है और ये अभियान जो है ये युवक युवतियों को ये समझाइश के लिए चलाया जा रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। और क्या क्या आपको सुविधाएं, जो महिला युवतियों की हम बात करें, तमाम देखा जाए तो महिला अपराध को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें भी महिला थाने तक पहुँचती हैं और उसका काफ़ी देखा जाए संख्या काफ़ी बड़ी है, जो कहीं ना कहीं महिला टीम को, जो महिला थाने की टीम है उन्हें फेस करना पड़ता है, इसकी रोकथाम हो, इसमें कमी आए, इसी को लेकर ये चला जा रहा है। महिला थाना पुलिस ने इसी अभियान के तहत अपने अभिभावकों के साथ गार्डन घूमने आए छोटे बच्चों को भी गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। वहीं बच्चों के अभिभावकों को भी इसके संबंध में अपने बच्चों को जानकारी देने को कहा। नहीं है क्या? है बता दो क्या नहीं है। अब जब आपको नहीं मालूम है कि गुड टच और बैड टच, गुड अच्छा और बुरा क्या है, तो अच्छा बुरा मैं बता देती हूँ कि अच्छा टच और बुरा टच, अच्छे से छूना और बुरे से छूने में अंतर समझते हो? अगर मैंने ये लड़की को इससे अच्छे से छुआ, ये क्या हुआ? गुड टच मतलब अच्छे से मैं इसको छू रही हूँ, लेकिन यही लड़का इस लड़की को जबरदस्ती पकड़ेगा और इसको वो करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? बैड टच, खराब मतलब बुरी नीयत से छूना। तो इन बच्चियों को आप लोग सिखाओ, बच्चियों को, ये बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा, आज इसको अपन शुरू से ये शिक्षा देंगे ना, मम्मी पापा जो छूते हैं बच्ची को, लड़की को, उसको बोलते हैं गुड टच। और कोई बाहरी आदमी अगर इस लड़की के ऊपर बुरी नीयत रखकर छेड़छाड़ करता है, उसको बोलते हैं बैड टच। बेटा क्या समझते हैं आप? जैसे अगर मैंने आपको छुआ, कैसे छुआ? अच्छे से छुआ है कि बुरे से छुआ है? अच्छे से छुआ है। अगर ये आंटी जबरदस्ती इसको पकड़ के, यूं पकड़ के लेके जाएंगी, उठा ले जाएंगी, तब क्या होगा? बैड टच। मतलब अपन को क्या करना है, अगर कोई अपन को इस तरीके से उठा के और जबरदस्ती चॉकलेट की लालच देकर और ले जाता है, तो अपन को क्या करना है? मना करना है उसको, कहना हमें तुम्हारी चॉकलेट नहीं खाना है, और वहाँ से भाग जाना। वो अगर आपका हाथ पकड़ता है ना, तो उसके हाथ में काट लो, काट लो या फिर और भाग जाओ, और जोर से चिल्लाने लग जाओ, या फिर आसपास वाले किसी को बुला लो, है ना, चिल्लाओ नहीं, जोर से चिल्लाओ कि ये आदमी मुझे परेशान कर रहा, परेशान कर रहा, उठा के ले जा रहा है। तो क्या होगा, आपकी सुरक्षा के लिए चार लोग आ जाएंगे, है ना? आपको समझ में आया इसको? कितना अच्छे से समझ में आया, देखो समझ में आया। आप लोग स्कूल जाते हो? अच्छा था, जाते हो? कौन कौन से क्लास में आप लोग? ये सेकंड में, फोर्थ। अच्छा, तो स्कूल आप अकेले चले जाते हो या मम्मी पापा छोड़ने आते हैं? पापा छोड़ने जाते हो, लेने भी आते हैं? रास्ते में कभी भी तुमको कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की लालच दे कि मैं तुमको चॉकलेट देता हूँ, पैसे देता हूँ, चलो तुमको घुमाने ले जाता हूँ, तो आपको उससे क्या कहना है? नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे पापा हमें पैसा देते हैं, हमारे पापा हमको घुमाने ले जाते हैं, हमें आपके साथ नहीं जाना है, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। प्रिया, पूरा नाम बोलो पापा का। संजू गोफने। संजू, बहुत अच्छा। कहाँ रहती हो आप? बेटा, आप लोगों को अपने पापा के मोबाइल नंबर याद है? अपने पापा का नंबर भी याद रखा करो, मम्मी पापा का नंबर याद करो, किसी को भी है ना, तुमको पता है ऐसे टच करना है क्या होता है? अच्छा टच होता है, और ऐसे टच करना है बुरा होता है, समझ गए? वो मास्क कितने अच्छे से लगा रहा था, चलो मास्क लगा लो, आप लोग भी मास्क लगाओ, है ना, छोटे होना। अहिल्या शी इज सेफ अभियान में महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के नेतृत्व में महिला थाना इंदौर की टीम की उप निरीक्षक दुर्गा सूर्यवंशी, महिला आरक्षक सीमा, महिला आरक्षक सपना, महिला आरक्षक रितु और महिला पीसीआर निर्भया की आरक्षक वंदना मुख्य भूमिका निभा रही है। कैमरा पर्सन गोल्डी गुर्जर के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।